हेलो एवरीवन, आई नो तुम वो स्नैप की वीडियो देखने आए हो, बट जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सो गाइस, मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग अस दैट क्रैकर रेट का रिजल्ट कैसा है, कितने लोग जेबी गए, कितने लोग सिडनम गए, कितने लोग टॉप 2 कॉलेजेस में गए। सो नाउ आई वांट टू प्राउडली अनाउंस द रिजल्ट बिकॉज हम कर ही नहीं पाए बिकॉज वी आर सो बिजी टीचिंग आर 2 बैचेस। सो वी हैव 28 स्टूडेंट्स एट JBIMS इन सिडनम एंड दैट लिटरली पुट्स एट द टॉप ऑफ द रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया। Considering the very small number of students we have, this is the best result that I think that we or anybody else could have gotten. But we are continuously just trying to beat our record because last year it was 21, this year it is 28, next year hopefully isse bhi zyada ho. So mehnat to puri waise hi hai. So 28 students, we had a party with them. They are all very aligned to help all of you out with any kind of preparation. So if you need anything, koi bhi video tumhe chahiye, unki strategy, kaise unhone prepare kiya, how did cracker test help them, kaise wo competition ko beat kar rahe the, kaise unhone mocks, mock analysis, ye sari videos wo log dene ke liye ready hai. All you have to do is just ask in the comments and I'll make sure that wo video main tumhare liye leke aata hu. Okay? So we are always there to help you and this just proves, the result just proves that how well are we teaching our students. So, hope to see you again, and now you can start your video. Hello everyone. So, exam season तो already चालू हो चुकी है, CAT को भी इतने ज़माना हो गया, and now we are here जो अभी hot exam चालू है, that is SNAP and NMAT. ये दो exams के बारे में बात करने के लिए. So guys, NMAT तो थोड़े students का हो गया और SNAP भी थोड़े students का हो गया. NMAT, as I have been saying, it has been consistent with all the previous years of NMAT that the exam is not that tough. बट प्लीज मेक श्योर दैट द एग्जाम वो लोग कभी कभी बीच बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चन डाल देते हैं विच आर अ लिटिल ट्रिकी और ट्रिकियर देन वॉट यूड एक्सपेक्ट देम टू बी. सो इट इज बेसिकली मोर अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कौन से पे नहीं देना है. नाउ अंडरस्टैंड, एनमैट में तुम क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर सकते विच इज बिकॉज तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा. इट्स एन अडेप्टिव एग्जाम. आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू अडेप्टिव एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए एक बार प्लीज एग्जाम दे दो. उन लोग की जो ऑफिशियल मॉक है, प्लीज टेक द एनमैट का ऑफिशियल मॉक. नाउ इन दैट क्वेश्चंस वाइज गाइस, यू कैन से दैट डीआई इज समथिंग दैट दे हैव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस ईयर. उन्होंने डीआई के क्वेश्चंस पूछे हैं, टफ वाले पूछे हैं. एलआर पजल्स आर रिलेटिवली गोइंग इजी फॉर स्टूडेंट्स. वोकैबुलरी के क्वेश्चंस है, डिसीजन मेकिंग नहीं पूछा है. डेटा सफिशियंसी इज वेरी स्ट्रॉन्गली आस्ट एंड प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी उनपे बेसिक बट 5 या 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग. सो दिस इज समथिंग, दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स जिसपे तुम बहुत अच्छे से ध्यान देना. ये सारे टॉपिक्स आई ट्राई टू टीच इन एज मच डिटेल एंड क्रैक एवरी टेस्ट एज पॉसिबल. सो इवन लास्ट ईयर दिस ईयर भी स्टूडेंट को उसमें काफी हेल्प हो रहा है. नाउ हाउ अबाउट द अदर टॉपिक्स, हाउ अबाउट द अदर एग्जाम दैट इज स्नैप. स्नैप का कल हुआ पहला एग्जाम. स्नैप का स्लॉट बेसिकली फर्स्ट डेट वॉज 10th of December. So let's go and look at the analysis के क्या क्या था. चल so guys, ये देखो overall paper moderate था, ज्यादा tough नहीं था, but lengthy था थोड़े parts में. ये थोड़े parts कौन से lengthy थे? All the parts which included calculation were highly calculative. मतलब उन्होंने DI भी अगर पूछा था तो DI straight forward नहीं पूछा था, दो ratios, तीन ratios combine कर करके answer निकालने पड़ रहे थे DI के answers निकालने के लिए. दो डीआई के सेट पूछे थे पर दोनों बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे. क्रिटिकल रीजनिंग 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे थे, व्हिच वाज समथिंग दैट वाज अ शॉकर दैट अरे 6-7 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आउट ऑफ अ 60 मार्क का पेपर इज अ वेरी गुड थिंग. उसमें तुम बहुत अच्छे से मार्क्स बटोर सकते हो. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का एक क्वेश्चन, पीएनसी का एक क्वेश्चन, लॉगरिथम का एक क्वेश्चन, कोई डरने की जरूरत नहीं है. ये टॉपिक्स अगर नहीं भी आते तो भी उनको थोड़ा बाजू में रख दोगे तो चल जाएगा. 57 मार्क्स की एग्जाम है, यू स्टिल कैन स्कोर वेरी वेल. बिकॉज ओवरऑल अगर पेपर का डिफिकल्टी देखने जाए, डिफिकल्ट नहीं था बट लेंथी था. दैट मीन्स आरसी में थोड़ा ध्यान रखना है, डीआई में थोड़ा ध्यान रखना है, एलआर पजल्स में थोड़ा ध्यान रखना है. ये चीजों में ध्यान रखो, बाकी का तुम्हारा आराम से हो जाएगा. कोडिंग डीकोडिंग पूछा गया था, इजी था, डुएबल था. ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का एक ही क्वेश्चन था. बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं ट्रिगो ये वो फलाना टाइम का, कुछ ज्यादा टेंशन मत लो. इनफैक्ट दिस पेपर इज एग्जैक्टली व्हाट आई सजेस्टेड माय स्टूडेंट्स इन द स्ट्रेटजी का लेक्चर. स्नैप एग्जाम के पहले वाले दिन मैंने एक स्ट्रैटेजी का लेक्चर लिया था क्रैक एवरी स्टूडेंट्स के लिए एंड दे ऑल वर लाइक कि सर जैसा बोला था वैसा ही आया स्नैप का पेपर. इनफैक्ट दिस वाज वेरी सिनोनिमस विद आल्सो आवर सीईटी का पेपर. सीईटी का पेपर भी हर एक स्लॉट में देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम द वंस दैट आई हैड टॉट इन क्रैक एवरी टेस्ट का लेक्चर्स. सो हर एक स्लॉट में अपने क्वेश्चंस थे क्रैक एवरी टेस्ट के. सो डेफिनेटली वो एग्जाम पे होल्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. नाउ बेस्ड ऑन दिस एग्जाम आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइस
इफ यू आर टेकिंग द सेकेंड और द थर्ड डेट का एग्जाम दैट इज 18th and 23rd, आई सजेस्ट दैट डोंट वरी अलॉट, द एग्जाम इज गोइंग टू बी रिलेटिवली मॉडरेट और इजी, द सेम लेवल. आई नो दैट मार्केट में वो चल रहा है दैट अरे पहला स्लॉट इजी, सेकेंड स्लॉट टफ, थर्ड स्लॉट इजी, वो सब पे भरोसा मत करो. इट इज एनी वे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तुम्हारा मार्क्स का स्केलिंग होगा, तुम अपने स्लॉट में तुम्हारा कंपैरिजन होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. प्लीज मेक श्योर दैट तुम जो भी स्लॉट में हो उसके खिलाफ कोई प्रेजुडिस लेके मत जाओ दैट ये स्लॉट टफ होने वाला है या फिर ये स्लॉट तो इजी होने वाला है. अगर उन्होंने किधर भी गेम खेल लिया, किधर भी गुगली डाल दी, तो तुम लोग सीधा क्लीन बोल्ड हो जाओगे एंड वी डोंट वॉन्ट दैट. सो या आई सजेस्ट द टॉपिक दैट यू गाइज नीड टू रियली रियली लुक इन टू आर एनी काइंड ऑफ एरिथमेटिक, स्पीड मैथ्स. तुम्हें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. ट्राई टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड बिकॉज आरसी और एलआर दोनों में ज्यादा काम आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई सजेस्ट दैट पैराजम्बल्स कर लो, आ सकता है नहीं भी आ सकता, बट इट्स बेटर दैट यू डू इट. पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस अच्छी है. ग्रामर बेसिक्स एक बार पूरे तुम्हारे रिवाइज कर लो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी देखो तुम्हारे पास वोकैबुलरी करने के लिए टाइम नहीं है, वोकैबुलरी 5-6 दिन में सुधर नहीं सकती. बट वॉट यू कैन डू फॉर श्योर इज रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये तीन बहुत अच्छे से कर लो बिकॉज इनके बेसिस पे तुम टीएसडी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा एवरेजेस, डीआई, ये तीनों तुम्हारा इसमें ही चला जाएगा, ये चार टॉपिक्स तुम्हारे इसमें आ जाएंगे. पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल टॉपिक्स, तो उनको थोड़ा अभी के लिए बाजू में रख दो अगर तुमने वो अब तक नहीं पढ़ा है. तो क्वांट्स ओवरऑल थोड़ा लेंदी है, मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा है, तो स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो इन द नेक्स्ट 7 डेज. सो टेल मी इफ यू गाइज वॉन्ट अ काइंड ऑफ अ डेमो सेशन फॉर स्पीड मैथ्स और डेमो सेशन फॉर क्रैक एवरी टेस्ट, टेल मी इन द कॉमेंट्स इफ यू वॉन्ट अ डेमो सेशन, अगर ऐसा कुछ भी होगा. या फिर सो टेल मी, डू यू गाइज वॉन्ट अ डेमो सेशन फॉर क्रैक एवरी टेस्ट, डू यू वॉन्ट अ स्नैप और एनमैट का स्ट्रैटेजी लेक्चर, ये दोनों में से कौन सी चीज चाहिए मुझे कॉमेंट्स में बताओ एंड आई अकॉर्डिंगली प्लान वन. सो ये सारी चीजें गाइज, आई सजेस्ट दैट यू गाइज डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. स्नैप एंड मार्ट इतना टफ एग्जाम्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे आर कॉम्पिटिटिव एंड यू यू विल रूइन द कॉम्पिटिशन, लाइक यू विल रूइन योर ओन रिजल्ट अगर तुम कॉम्पिटिशन के डर में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे. आई सजेस्ट बाकी लोग जो करें उनको करने दो, तुम अपना बेस्ट दो वहां जाके, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू सेल थ्रू इट वेरी वेरी वेल. ओके सो यस गाइज, एज आई सेड, जस्ट पुट डाउन इन द कॉमेंट्स, डू यू वॉन्ट अ स्ट्रैटेजी लेक्चर फॉर एनमैट स्नैप और डू यू वॉन्ट अ डेमो सेशन फॉर क्रैक एवरी टेस्ट, दोनों में से जो भी चाहिए. डेमो सेशन में लाइव लूंगा, 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, उसके लिए ऊपर में ज्यादा स्टूडेंट्स को डेमो लेक्चर नहीं देता, एंड उसमें तुम्हें जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स है वो सारे तुम पूछ सकते हो. ओके चलो बाय एवरीवन.